नमस्कार। तो आइए आज हम मिलते हैं शहर की जानी मानी समाज सेविका कमला रानी जी से। कमला रानी जी नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताएं कि एक आदर्श माँ बनने के लिए इन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? यही कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही जिम्मेदारियां सौंपें ताकि वो अच्छे इंसान बन सके और कामयाब हो जिंदगी में। और मैं तो खासकर लड़कियों के लिए कहूँगी कि जो बच्चियां हैं घर में उनको बचपन से ही कामकाज सौंपा जाए ताकि वो एक अच्छी गृहिणी बन सके। मतलब बचपन से इन पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ दें? जी हाँ, बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी घर के कामकाज में और भी सारी बातों में, तो एक अच्छी गृहिणी बन सकती है। ये प्रोग्राम देखने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं तो आदर्श माँ हुई नहीं। गुड्डी गुड्डी। यस मामा। अरे गुड्डी, तुम्हें कुछ परवाह ही नहीं, कल को तुम ससुराल जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तैयारी नहीं करनी है? ठीक है, जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अपने लिए दूल्हा ढूंढने। बेवकूफ लड़की, मेरा मतलब था घर के काम काज सीखने हैं, जिम्मेदारी उठानी है। ये ले प्याज काट, मैं कुछ और काम करती हूँ। ओह गॉड, आज मुझे पता चला टीवी देखने से आंखें नहीं दिमाग भी खराब हो जाते हैं। ओह नो। हाय गुड्डू भाई, अरे तुम प्याज क्यों काट रही हो? क्योंकि मैंने कहा उसे घर के काम काज सीखने दो, आगे जाके तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे हाथ में कलम होनी चाहिए। कलम से कोई प्याज काटता है क्या? तुम समझती क्यों नहीं हो लक्ष्मी, मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ लिख के एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने और फिर लोगों की बॉडी काटे और जेब काटे। कलम होनी चाहिए। नहीं पापा, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे खेलना है। खेलने की कोई जरूरत नहीं, प्याज काटो। नहीं पढ़ो। प्याज काटो। पढ़ो। काटो। पढ़ो। काटो। पढ़ो। अरे ओहो, उसे जाने दो। लेकिन हम किस बात पे झगड़ रहे थे? हमें झगड़ने के लिए कोई टॉपिक चाहिए क्या? लेट्स स्टार्ट। भाई मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सूरज पूरब से निकलता है। पूरब से तो चांद निकलता है, पागल हो गए तुम? अरे पूरब से सूरज निकलता है। चांद। सूरज। चांद। सूरज। चांद। सूरज। पापा कहते हैं पढ़ो, मम्मी कहती है प्याज काटो, कोई ये नहीं सोचता क्या मैं करना चाहती हूँ, इसको मेरी फिक्र ही नहीं है। गुड्डी की बच्ची उठ, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? तुम्हारी ये सफेद कपड़े देखकर ऐसा लगता है तुम कोई वॉशिंग पाउडर बेचने आए हो। चुप बैठ। अच्छा खासा खेल खेल रहा था तो भगवान ने तेरे पास भेज दिया, अभी ज्यादा टाइम मत वेस्ट कर, बोल तू क्यों रो रही थी? अच्छा बताती हूँ बताती हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते, हर टाइम मुझे डांटते रहते हैं, तो मैं क्या करूँ? प्लीज तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे पेरेंट्स मेरी परवाह करने लगे, मैं केयर करने लगे। ये नहीं हो सकता, प्लीज मुझे केयरिंग पेरेंट्स दे दो। अच्छा तुम्हें केयरिंग पेरेंट्स चाहिए? लो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा केयरिंग पेरेंट देता हूँ जो तुम्हारी हर वक्त परवाह करते रहे। समझ लो आज से तुम्हारे माँ बाप बदल गए। गुड़िया रानी सो रही है, उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई, अच्छी नू बब्बो उठ गई मेरी गुड़िया रानी, कम ऑन राइज एंड शाइन, हमें वॉक पे जाना है। वॉक पे क्यों पापा? बेटी वॉक पे जाने से शरीर ताकतवर होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और आत्मा पावन होती है। नहीं पापा मैं सोऊंगी। नहीं तुम वॉक पे चलोगी। नहीं पापा। नहीं तुम चलोगी 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 चलोगी। राजी क्या कर रहे हो तुम? क्यों क्या हुआ? इंस्पेक्शन हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब मैं उसे कभी गुदगुदी नहीं करूंगा। करोगे तुम गुदगुदी करोगे, लेकिन ग्लव्स पहन के, इससे इंफेक्शन नहीं होगा। अच्छा हुआ अच्छा हुआ लक्ष्मी तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं मूर्ख न जाने क्या कर बैठता। नहीं न जाने क्या कर बैठता। पी लो ना बेटे। नहीं पापा मुझे नहीं पीना। प्लीज मेरी स्वीट स्वीट बच्ची पी लो ना। नहीं पापा मुझे नहीं पीना। पी लो ना, बादाम वाला है बहुत टेस्टी है, एक बार ट्राई कर। नहीं पापा मुझे नहीं पीना। अरे 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 अरे, ओह माय गॉड बच्ची, अरे लग गई। I'm so sorry darling, I'm so sorry। लगी तो नहीं बेटा तुम्हें? नहीं बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? सच बताओ सच बताओ, जरा लगी ना? नहीं पापा। Sure? Yeah। Oh my God, thank God। मुझे काम है। क्या बेटे बोलो ना। पापा मुझे 50 रुपए चाहिए। 50 रुपए चाहिए? क्यों बेटा क्यों? वो स्कूल पिकनिक जा रही है ना,
तो इसलिए। कहाँ जा रही है? काली पहाड़ी पर। काली पहाड़ी? Oh my God, नहीं नहीं नहीं। लक्ष्मी का मौन बच्चों के अरमानों का गला इस तरह मत घोटो, जल्दी से ले आओ 150 रुपए, जाओ। 150? नहीं नहीं पापा, सिर्फ 50। बेटी 50 रुपए तो तुम्हारी अकेली के है ना, तुम्हारे मम्मी के 50 और मेरे 50 और तुम्हारे मिला के 150 होंगे ना। और नहीं तो क्या, क्या हम हमारी फूल सी नाजुक सी बच्ची को अकेली थोड़ी ना जाने देंगे, और वो भी काली पहाड़ी पर। ओहो, मुझे देखकर काली पहाड़ी मेरे सर के ऊपर नहीं गिर जाएगी, मैं अकेले जा रही हूँ। अरे सुनो तो, सुनो लक्ष्मी, एक बात तो बताओ, काली पहाड़ी पे कोई खतरा तो नहीं है ना? मैं पुलिस फोर्स को बुलाऊं? हाँ गुड। ओ बा, गुड़ी बेटे, तो तुमने पिकनिक पे अकेले जाने का फैसला कर ही लिया? ओ पापा बस भी करो। गुड़ी ये भी साथ ले जाओ, बहुत जरूरी है ये। ये क्या मामा? इसमें गोलियां हैं, ये सिर के दर्द के लिए है, ये फ्लू के लिए है, ये मलेरिया के लिए है, और ये कह भी डालो, टीबी के लिए है। ओहो मामा, मैं पिकनिक जा रही हूँ, वो भी एक दिन के लिए। और सुनो बेटा, ये 357 मैग्नम डेजर्ट ईगल पिस्तौल है, इसे भी रख लो, काम आएगी। पापा एक तोप भी अरेंज कर दो ना। तोप? वो किस लिए बेटे? पापा अगर दुश्मन देश को पता चल गया कि गुड्डी जा रही है काली पहाड़ी पर और उन्होंने अटैक कर दिया तो। Oh my God, good idea, राज, तुम उसे 10 मिनट रोको, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे बेचारी को अकेली छोड़ के कहाँ जा रही हो तुम? अरे नहीं, आभा का हस्बैंड आर्मी में है ना। हाँ, हाँ। मैं उसे फोन करती हूँ, कहीं वो तो अरेंज करवा सकते हैं। जल्दी 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 जल्दी। आई? अरे नहीं ना, वही तो फिकर मुझे खाई जा रही है। सोना कितना सोना। अरे बेटे बेटे, आ गई तुम पिकनिक से? आ गई, वापस आ गई, कैसा रहा बेटे? बहुत अच्छा रहा, हम सब झरने के नीचे खड़े होके खूब नहाए। क्या क्या कह रही हो तुम झरने के नीचे खड़े होके नहा रही थी? अरे भगवान, ये बेटी तुमने क्या किया? पता है झरने के पानी में कितने हजारों लाखों कीटाणु होते, कितने बैक्टीरिया होते, तुम्हें कुछ हो गया तो? शहर भर के स्पेशलिस्ट बुलवाए, कुछ बोलो बेटी, कुछ बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो ना। एक मिनट, अब ये बोले पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर चामा फ्रॉम चाइना। हेलो 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 डॉक्टर चामा, दिस इज डॉक्टर राज सेठी फ्रॉम बॉम्बे। यस डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए लेकिन फौरन यहाँ चले आइए, फौरन नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के चले आइए प्लीज। क्या इंडिया की नेक्स्ट फ्लाइट कल सुबह से पहले नहीं है? तो आप एक काम कीजिए, अभी के अभी पैदल निकलिए। यस इट्स एन इमरजेंसी। यस ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अरे डॉक्टर, मेरी बेटी चिल्ला रही है, कुछ करो, दर्द हो रहा है बेटी। पापा, ओह सीने में दर्द हो रहा है? नहीं हाथ पे। अरे डॉक्टर कुछ करो, मेरी बेटी को हाथ पे दर्द हो रहा है। हाथ में क्यों? अरे हाथ में क्यों? क्योंकि आप मेरे हाथ पे बैठे हैं। अरे डॉक्टर कुछ करो, मैं इसके हाथ पे बैठा। मेरे ख्याल से इसका परमानेंट इलाज मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ राज। ये क्या है पापा? बेटी ये एंटीबायोटिक का इंजेक्शन है, इसको लगाने के बाद तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। नहीं पापा। बेटी मैं जानता हूँ इससे तुम्हें दुखेगा बहुत, लेकिन मेरा यकीन मानो, तुम्हें जितना दर्द होगा उससे कहीं ज्यादा दर्द मुझे होगा। मुझे भी। नहीं पापा, नहीं। बेटी मुझे मेरा फर्ज निभाने दो बेटी, मुझे मेरा फर्ज। No, not again. तुम फिर आ गए? भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है ना? अरे यार, तुम इंसानों को खुश करना और गंजों की मांग भरना एक जैसा है, कभी हो ही नहीं सकता। देखो मिस्टर एंजल, मैं ऐसा जिंदगी जीना चाहती हूँ, कोई मेरे मामले में डिस्टर्ब ना करे। यानी तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहती हो? हाँ।
मैंने ऐसे माँ बाप जो तुम्हारे बिल्कुल परवाह ना करे। ऐसे कुछ? चलो दिए तुम्हें ऐसे माँ बाप, अब खुश रहो, जान छोड़ो, बाय बाय। चलो कम ऑन गुड्डी, कम ऑन कम ऑन, गेट अप, चलो उठो, स्कूल जाना है तो जल्दी तैयार हो जाओ। कितने बजे पापा? अभी तुम्हारी स्कूल बस छूटने में 20 मिनट बचे हैं, अभी तुम्हें कपड़े प्रेस करने हैं, नहाना धोना है, टिफिन तैयार करना है, कम ऑन। ये सब तो मैं करूंगी। तुम नहीं करोगी तो क्या मेरा, सॉरी। लगता है बदू दे ये नए वाले। अरे भाई सुनो, वो क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। लक्ष्मी आज तुम्हारा शेड्यूल क्या है? आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मुझे आभा के घर जाना है लंच पे, परिंदा ने कॉफी पे बुलाया है, अनुराधा के साथ मैं पिक्चर देखने जा रही हूँ। समझ गया जो करना है। ओहो बेटी मुझे डिस्टर्ब मत करो, जा मम्मी के पास। मम्मी आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे, तो तुम आओगी मुझे छोड़ने? नहीं, मुझे आभा के घर जाना है लंच पे। देखो गुड्डी तुम अकेले चली जाओ, ओके? नहीं पापा, वो सुनसान सड़क है, मुझे बहुत डर लगता है। देखो बेटी तुम खुद अपना ख्याल रखना सीखो, कब तक हम पर बोझ नहीं रहोगी? ओहो सुनो छोटी, डराती क्यों? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक ही चीज है और वो है भरी हुई रिवॉल्वर। देखो मुझे मारना मत प्लीज, इससे मारते हैं। अब नहीं, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। अनाड़ी? हाँ, वो तुम, तुम्हें कैसे पता? इसलिए तो छोटे बच्चे को लूट रहे हो। बड़ों को लूटते हो, मुझे डर लगता है ना। अब खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे मामा के पास तो बहुत पैसे होंगे ना? हाँ, बहुत है। हैं? हाँ, है? वेरी गुड, तो चलो। अरे रोती क्यों? पैसे मिलने के बाद तुम्हारे माँ बाप को दे दूंगा ना मैं तुम्हें। वो तो मुझे भी पता है। तो फिर रोती क्यों? मेरा सैंडल वहाँ पर है। सैंडल? हेलो। हाँ हाँ हाँ। हेलो कौन बोल रहा है? हाँ हाँ हाँ। अरे कमाल आदमी हो यार, मोबाइल फोन पे हंस हंस के मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। कौन है? हेलो डॉक्टर राज। अब डॉक्टर राज तुम्हारे लिए एक रोने वाली खबर है। क्या तुम्हारे लिए एक रोने वाली खबर है? क्या बोलो ना यार, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, हमने उसे किडनैप कर लिया है। ओह नाइस नाइस। अरे मैंने कहा तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में, उसे किडनैप कर लिया है। ओह सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। हाँ क्या मेरी बेटी आपके कब्जे में? जरा एक मिनट रुक जाइए, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अरे भाई सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। अरे भाई वो हमारी गुड्डी कल रात को घर आई थी या नहीं? अब मुझे क्या मालूम, मैं तो पार्टी से आके सो गई थी, I was so tired. अच्छा, I think it's right. किसी ने गुड्डी को किडनैप कर लिया है। Oh my God! क्या हुआ? Oh my God! क्या हुआ क्या भाई? मेरी eyelash गिर गई। मैंने हजार बार कहा है जरा अच्छे से चिपकाया करो। खैर नेवर माइंड, मैं दुबई जाऊंगा तो नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा, अच्छी 3-4 जोड़ी ले आऊंगा ताकि तुम कोई प्रॉब्लम ना हो। हेलो 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 ओ हेलो ओ हाँ हेलो, सॉरी भूल गया था भाई, बोलिए। अगर तुम्हें अपनी बेटी सही सलामत चाहिए तो आज शाम को 5 बजे 5 लाख रुपए लेकर पुराने किले के लाल मंदिर में पहुंच जाना, समझे? ओफ, क्या मुसीबत है, जरा रुकिए, 1 मिनट रुकिए। अरे भाई लक्ष्मी भाई ये चाहता है कि आज शाम को हम वो पुरानी हवेली के लाल मंदिर में 5 लाख रुपए उसे दें और गुड्डी को ले जाएं। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? आज शाम को मेरी किटी पार्टी है, आई कांट गो, इट्स इम्पॉसिबल। डॉक्टर राज, अरे कुछ तो जवाब दो। अरे हाँ आप है, देखिए भाई साहब भाई आज शाम को तो वी कांट मेक इट, हमें इम्पोर्टेंट काम है। ऐसा कीजिए ना, आप गुड्डी को एक रात और रख लीजिए, कल अगर वक्त मिला तो हम 5 लाख रुपए लेके आएंगे और गुड्डी को कलेक्ट कर लेंगे। कल शाम को? ओह नो, कल शाम। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम, डेफिनेट प्रॉब्लम। कमाल के मामा है तुम्हारे, उनके पास टाइम नहीं है तुमको कलेक्ट करने के लिए, कल तक तुम मेरे ही पास रहोगी। अरे तुम रोना तो मुझे चाहिए अंकल। क्या है? मुझे सैंडल लाने दो ना।
सैंडल तुम्हें लाने दो, मुझे उल्लू समझाए गधा समझाए। तुम सैंडल लेने जाओगी और वहां से भाग जाओगी। तुम यही रुको, मैं लेके आता हूँ। कुछ ज्यादा बेवकूफ निकला। मम्मी मैंने सोचा था आप मुझे बचाने की कोशिश करेंगे। गुड्डी ये मत समझो हमें तुम्हारी फिक्र नहीं। किटी पार्टी के बाद मैं 20 मिनट तक रोती रही, टू बी प्रिसाइज 18 मिनट्स, मेकअप की परवाह भी नहीं की। और पापा आप? बेटे देखो रोना तो मैं भी बहुत चाहता था लेकिन क्या करूं, वक्त ही नहीं मिला मीटिंग में से। मैं रोने की नहीं अपने आप को बचाने की बात कर रही हूं। देखो बेटे तुम्हें बचाने के लिए हम उसके साथ तू तू मैं करते, मवाली की तरह सुलूक करते उनके साथ, कैसी बात करती हो तुम? नेचुरली तुम्हारी जिम्मेदारी थी खुद का ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? करेक्ट है बेटा, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे कुछ हो जाता, तुम्हारी डियर मम्मी को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता? पापा आप लोगों को मेरी फिक्र ही नहीं है। ओह माय गॉड डॉलर्स के भाव फिर से गिर गए, भंसाली को इमीडिएट फोन करना पड़ेगा। हे भगवान क्यों अब क्यों रो रही है? तूने तो मांगे थे ना बिल्कुल परवाह ना करने वाले माँ बाप। हाँ मगर वो तो डरपोक नंबर वन निकले। डरपोक नंबर वन, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। चलो छोड़ो अब तुम ये बताओ कि मैं क्या करूँ। तुम एक काम करो, तुम मुझे बहादुर माँ बाप दो। क्यों, किसी देश पर चढ़ाई चढ़वानी है क्या, कुश्ती लड़ानी है क्या? तुमसे जो बोला है वो करो ना प्लीज। ठीक है मेरा क्या जाता है, लो। के लिए गाले के रूप में हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। हम तुम्हें पेड़ से बांधेंगे, तुम चीखोगी चिल्लाओगी, तुम्हारी चीखों पुकार सुन के शेर तुम पे टूट पड़ेगा। और जैसे शेर आएगा मैं मचान के ऊपर से शेर के ऊपर कूद पड़ूंगा। राजा ध्यान रखना, लास्ट टाइम तुम शेर के दुम पे कूदे थे। Yes, I know, that was a mistake. लेकिन इस बार मैं शेर की गर्दन पे कूदूंगा और अपने इन मजबूत हाथों से शेर का गला दबोच लूंगा और फिर अपना फटा हुआ रुमाल निकाल कर उसको गर्दन पे बांध के शेर को मार डालूंगा और एक ही झटके में उसकी खाल खींच लूंगा। हम कितने ब्रेव और एडवेंचरस है। Yes, baby, yes. हमारे साथ चलोगी ना? अरे गुड्डी कहाँ गई? लगता है ओवर एक्साइटमेंट से बेहोश हो गई है। कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे ही उठा के ले चलते हैं। I love it. मुझे जंगल बहुत पसंद है। Yes, Lax. तुम चाकू से नाखून तेज कर रहे हो या नाखून से चाकू तेज कर रहे हो? None of that, baby, none of that. Actually, मेरे नाखून बहुत बढ़ गए इसलिए काट रहा हूँ। क्यों? अरे भाई क्या है कि बड़े हुए नाखून से अगर शेर की खाल पे खरोच पड़ गई ना तो खाल की वैल्यू खत्म हो जाती है ना। That is why. लेकिन ये क्या, तुम्हारा रुमाल फटा हुआ है। यस याद आया। वो क्या है कि पिछली बार शेर को मारते वक्त ये जो रुमाल है ना उसके दांत में फंस गया था, एक्साइटमेंट में मैं भूल गया, मैंने खींच लिया तो ये फट गया। पापा पापा मत चिल्लाओ, शेर ने सुन लिया तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ है। इसका मतलब है शेर आ रहा है। ओ घबराओ मत, शेर हमसे कम से कम 500 मीटर की दूरी पे है। बेरे, आप कब की है क्लोथी पे
ओफ, ठीक है, ये लो, तुम भी शिकार के लिए रुमाल रखो। और सुनो, रुमाल छुपा देना वरना शेर समझ जाएगा कि उसके शिकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पापा, पापा, शेर आ रहा है। राजा! ये, ये, शेर, शेर! Relax. तुम नंगे हाथों शेर को मारने जा रही हो, कम से कम ये रुमाल तो रखो। रुमाल की कोई जरूरत नहीं, मैं शेर को इस पे सिर से मारूंगी। Oh my God, what a cruel hunter. Hey, come on, buddy, rise and shine, rise and shine. जिंदा होके मैं गई। अरे of course तुम जिंदा हो, कैसी बेवकूफ जैसी बात करती हो, चलो come on. मैंने तो सोचा था कि हम तीनों शेर का शिकार। क्या कावर्स कायरों जैसी बात करती हो? Come on, let's go, let's get ready, जल्दी से कपड़े बदल लो, हमें बाहर जाना है, चलो come on, चलो। तो आप ऐसे शेर का शिकार करने जाना है? ओहो नहीं, अब हम पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं। पहाड़? कितना ऊंचा है पहाड़? You see, प्रॉब्लम ये है कि उसकी ऊंचाई चढ़ के कोई वापस नहीं आया, इसलिए एग्जैक्ट हाइट नहीं मालूम। भगवान को पता है, उनके पास जा रहे हैं। ओहो, इतने बहादुर माँ बाप की बेटी हो के कायरों जैसी बात करती है। Go get ready, go 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 go. Run fast, baby, fast. इस बार बिना बुलाए कैसे आ गए? मुझे पता था मेरी आज तुम्हें सता रही होगी। अब बोल, तुम्हें कैसे माँ बाप चाहिए? वही पुराने वाले, असली माँ बाप old is gold, you see. अब कभी शिकायत नहीं करोगी? मरना है क्या? चल दिए तुम्हें ऐसे माँ बाप, all the best. तुम क्या समझते हो, मैं जो चाहे वो करूंगी, गुड्डी मेरी बेटी है। मत भूलो कि गुड्डी को इस दुनिया में लाने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। जाओ जाओ जाओ, कल को ससुराल जाएगी तो नाक किसका कटेगा, मेरा ना? अरे बंदरिया, तू बगैर नाक के ज्यादा अच्छी लगेगी। तुमने मुझे बंदरिया कहा? तुम गधे हो। अरे मैं गधा हूँ तो तुम गधी हो, मेरी पत्नी गधी। तुम कद्दू हो, पिके हुए गंदे कद्दू। और तुम भोपला हो, भोपला। आप लोगों को क्या लगता है, यही चलेंगे ना? आलू बब्बी, गुजराती में मने वाल करेंगे।